problems they have seen. Some of the problems are common. Some of the things are different. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजा बाबू, आईआईटी मद्रास। आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं आईआईटी मद्रास के मंदाकिनी हॉस्टल का इलेक्शन प्रोसेस, कि कैसे इलेक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें और वोटिंग कैसी होती है, वो सब जानते हैं। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें और कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर सर। और विल यू टेक पार्ट इन द सेम थिंग दैट यू आर कंटेस्ट फॉर राइट ऑन द टेक्निकल अफेयर्स थिंग, एंड इफ यस देन हाउ विल यू रिजल्ट टू दैट एंड एंड फॉर ऑल ऑफ यू। बता दो, आईआईटी मद्रास का जो मंदाकिनी हॉस्टल है जो कि रिसेंटली अभी बना है और जिसमें मैं करेंटली अभी रहता हूँ, उसमें इलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो उसमें काफ़ी इलेक्शन प्रोसेस के लिए बेसिकली 4 प्रोसेस पोस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कल्चर सेक्रेटरी और आई थिंक हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी, लाइक दैट। तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने नॉमिनेशन फिल किया। उनका वोटिंग होगा आई थिंक कल, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले एक इवेंट होता है सोप बॉक्स करके, सोप बॉक्स में जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फिल किए रहते हैं उनसे क्वेश्चन आंसरिंग किया जाता है हॉस्टलर्स के द्वारा, यानी हम जो हॉस्टल मतलब जो मंदाकिनी हॉस्टल में रहते हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आप सर्विस कैसे इम्प्रूव करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्स हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसको वोट देना है, और एक मैनिफेस्टो भी उन्होंने सबमिट किया है तो उसके बेसिस पे होता है। ये अलाउ किया जाता है डोर टू डोर कैंपेनिंग, तो यहाँ तो कभी कभी इलेक्शन काफ़ी वायलेंट हो जाता है। रिसेंटली अभी काफ़ी वायलेंट हो गया था, तो चलिए देखते हैं। आज 100 बॉक्स शेड्यूल्ड है आई थिंक टेक्निकल सेक्रेटरी का ऊपर 6:37 में रीडिंग रूम में। So my question is, there is a major problem in hostel that inside rooms of hostels do not have connectivity. They do not have mobile network. So what is your plan to improve that? Actually, I told you. Proper connectivity. बोले के चलता हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। So let's go. One can answer. How it's been so far. At IIT, we explored a new life that we haven't had before. So after coming here, I happened to come to one of the events that we could represent our hostel Mandakini. And one of these here in the electrical PhD scholar is, I asked with him like, how could you resolve this problem? So he suggested one of the antenna which can like increase the wavelength and frequency, enhance those things so that this my problem can be resolved.